नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको स्मार्ट कार रिव्यू में। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हुंडई मोटर्स की तरफ से आने वाली पॉपुलर टॉप सेलिंग हैचबैक कार न्यू हुंडई i20 कार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हुंडई ने बिल्कुल तैयार कर रखा है अपनी नई जनरेशन i20 कार को भारतीय मार्केट में लॉन्च करने के लिए, और 26 अक्टूबर को भारतीय मार्केट में न्यू i20 कार की बुकिंग भी शुरू हो गई थी। तो वहीं i20 कार के फैंस काफी खुश और अपनी नई i20 कार को ऑनलाइन या नजदीकी शोरूम जाकर बुक करवा रहे हैं। तो यहाँ पे वही खुशी और वही हंगामा लौट आया है न्यू i20 कार की वजह से हुंडई शोरूम में, जैसा कि कोरोना काल या 2020 मार्च से लॉकडाउन से पहले था। खैर छोड़ो, ये तो बात की बात है। वहीं नई i20 कार बाहर के देशों में लॉन्च होने वाली i20 कार से थोड़ा सा, मतलब ज्यादा नहीं बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसी के बारे में आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपसे 2020 हुंडई i20 कार से जुड़ी तमाम अपडेट आपसे मिस ना। और आपको कोई भी स्मार्ट कार की रिव्यू चाहिए तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया कि हुंडई मोटर्स बहुत ही ध्यान में रख के हुंडई नई i20 कार को अपडेट किया है, जो कि कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं नई i20 कार की डायमेंशन में आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट में और व्हील बेस में भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन ऊपर से थोड़ी सी छोटी होगी जो कि काफी खूबसूरत लगेगी। वहीं आपको न्यू i20 कार में 6 मोनोटोन कलर की ऑप्शन के साथ साथ 3 डुअल टोन कलर की ऑप्शन भी देखने को मिलेगी। वहीं इसके एक्सटीरियर लुक्स में आपको पहले के मुकाबले काफी ज्यादा प्रीमियम और एक स्पोर्टी लुक के साथ फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगी, जो की काफी अट्रैक्टिव होगी। और साथ ही आपको नए प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेंगे, जो कि हुंडई नई i20 कार को काफी खूबसूरत बना रही है। वहीं आपको एलईडी कनेक्टेड टेल लाइट भी देखने को मिलेंगे। तो ये थी इसके एक्सटीरियर लुक्स की खबर। वहीं इसके इंटीरियर लुक्स की तरफ थोड़ा ध्यान दे तो इसमें आपको 10.25 इंच तक की अल्ट्रा HD इनपुट सिस्टम दिया जाता है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करेगी। दोस्तों यहाँ पर हुंडई मोटर्स ने नई i20 कार में इतना बड़ा टच स्क्रीन इनपुट सिस्टम देकर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा खूबसूरत और i20 कार के फैंस को आकर्षित करने की कोशिश की है। वहीं आपको पहले के मुकाबले ज्यादा और काफी बड़ा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जो कि काफी सॉफ्ट और प्रीमियम होगी। और साथ ही आपको मल्टीफिकेशन कॉम्पैक्ट साइज स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगी, और साथ ही आपको 8 स्पीकर प्रीमियम ऑडियो सिस्टम इलेक्ट्रिक सनरूफ। दोस्तों वैसे आप सभी जानते होंगे कि सनरूफ वाली गाड़ियों को भारतीय मार्केट में खूब पसंद किया जाता है, और यहाँ पे हुंडई मोटर्स ने बड़ा अपडेट किया है न्यू i20 कार में। दोस्तों ये अब बात आती है इसके इंजन पावर की। तो इस हैचबैक कार में आपको हैचबैक सेगमेंट में सबसे ज्यादा इंजन की पावर देखने को मिलेगी। इसमें आपको BS6 नाम का 1.2 लीटर नेचुरल स्पिटर पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। वहीं आपको 1.0 लीटर का टर्बोचार पेट्रोल इंजन भी देखने को मिलेगा, और साथ ही आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी देखने को मिलेगा। और ये सभी BS6 इंजन आपको 5 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, DCT और इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन की ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब अगर वहीं बात कर ले इसके सेफ्टी की, तो इसमें आपको सेफ्टी में हाई स्टेनलेस स्टील बॉडी, 6 एयरबैग विद साइड कर्टन एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक असेबिलिटी प्रोग्राम, ऑल डिस्क ब्रेक, रिवर्स पार्किंग कैमरा, इंटेलिजेंट क्रूज कंट्रोल, टायर प्रेशर मल्टिंग सिस्टम जैसे फीचर्स आपको इसके सेफ्टी लुक्स में देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ अब अगर फाइनली बात करें इस न्यू i20 हैचबैक कार की प्राइस की, तो प्राइस में आपको स्मार्ट कार रिव्यू के मुताबिक 5.30 लाख से शुरू होकर 10 लाख तक की आपको भारतीय मार्केट में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों हुंडई मोटर्स की तरफ से आने वाली ये नई जनरेशन i20 कार आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि ऐसी स्मार्ट कार की वीडियो आपको मिले सबसे पहले। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।